नए सेना प्रमुख के आते ही पाकिस्तान में कत्लेआम शुरू हो गया था। आसिम मुनीर के कुर्सी संभालते ही टीटीपी ने सरकार के साथ सीज़फ़ायर समझौता तोड़ दिया था, जिसका खमियाजा पूरा पाकिस्तान भुगत रहा है। नाराज तरीके तालिबान पाकिस्तान ने मुनीर के कुर्सी संभालने के 24 घंटे के अंदर ही क्वेटा में आर्मी पर आत्मघाती हमला किया था और हमलों का सिलसिला अब तक जारी है। इसके बाद पूरे पाकिस्तान में खलबली मच गई थी। पाकिस्तान सरकार और सेना से नाराज टीटीपी फिर से सक्रिय हो गया है और ताबड़तोड़ हमले के आदेश दिए हैं। टीटीपी को पाकिस्तान तालिबान के नाम से भी जाना जाता है। टीटीपी इस साल अब तक 3 से 4 आत्मघाती हमले कर चुका है, जिसमें से 2 हमले अकेले उत्तरी वजीरिस्तान में हुए थे। पाकिस्तान में लगातार जारी आतंकी हमलों के बाद पाकिस्तान के गृह मंत्री राणा सनाउल्ला ने चेतावनी दी है कि पाकिस्तान टीटीपी के ठिकानों पर मिलिट्री ऑपरेशन चला सकता है। इस तनातनी के बीच पाकिस्तान के प्रमुख खुफिया एजेंसी ISI के पूर्व चीफ जावेद असार काजी ने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में बताया है कि टीटीपी पाकिस्तान पर आखिर हमले क्यों कर रहा है। उन्होंने कहा, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान ने तालिबान सरकार को मान्यता देने से इनकार कर दिया था, इसीलिए अफगानी तालिबान पाकिस्तान पर दबाव बनाने के लिए टीटीपी की मदद कर रहा है। ISI के पूर्व चीफ के मुताबिक तालिबान और टीटीपी के बीच दोस्ताना है। अफगानिस्तान खुद अभी अनस्टेबल है और उसके अंदर कई ग्रुप्स हैं, जबकि टीटीपी एक वेल ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है, इसीलिए तालिबान सरकार ये नहीं चाहती कि टीटीपी को नाराज किया जाए। अगर ऐसा होता है तो टीटीपी अफगान सरकार के खिलाफ जंग छेड़ देगी। तालिबान कभी भी समझौतों का सम्मान नहीं करता। तालिबान के साथ समझौता करना बेकार है, वो फॉलो नहीं करते। अब हमें टीटीपी को लेकर सख्त रुख अपनाना चाहिए। जो भी बॉर्डर क्रॉस करना चाहे उसे वहीं मार देना चाहिए। दरअसल पिछले महीने टीटीपी के आतंकियों ने पाकिस्तान के खैबर पख्तून के कंटोनमेंट सेंटर पर हमला कर कई लोगों को बंधक बना लिया था। पाकिस्तानी सेना ने लगभग 50 घंटे चले ऑपरेशन के बाद कंटोनमेंट सेंटर को दोबारा अपने कब्जे में ले लिया था। इस ऑपरेशन में 33 आतंकी ढेर हुए थे, वहीं 2 जवानों की भी मौत हो गई थी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव के कारण दोनों देशों के बीच बॉर्डर का मुद्दा है। दरअसल ब्रिटिश काल में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच एक रेखा खींची थी, अफगानिस्तान ने जिसे मानने से इनकार कर दिया था। अफगान की पिछली सरकार की तरह ही तालिबान ने भी इस रेखा को मानने से इनकार कर दिया।